नमस्कार, मैं हूं भावना। आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। कल की खबरों को दोबारा देखने के लिए नजर डाल लेते हैं यस्टरडे राउंडअप पर। यस्टरडे राउंडअप निवेदन करते हैं रेडीमेड कपड़ों का मॉल श्री श्याम फैशन, NSB रोड, रानीगंज। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच की रानीगंज शाखा की ओर से चित्रांकन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। आसनसोल में पहली बार वारिस सोलर शोरूम खोली गई। गुरुवार वारिस सोलर शोरूम के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए आसनसोल नगर निगम के मेयर जितेंद्र तिवारी। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लायंस क्लब ऑफ रानीगंज की ओर से संगीत संध्या का आयोजन किया गया। इस संगीत संध्या का नाम ऐ मेरे प्यारे वतन रखा गया था। रॉबिनसन स्टेडियम में 9 लाख की लागत से बनने वाले जॉगिंग ट्रैक का शिलान्यास मेयर जितेंद्र तिवारी ने नारियल तोड़कर किया। रानीगंज के अमृत कुंज आश्रम के पास निर्माणाधीन खाटू श्याम मंदिर का परिदर्शन करने आए पंजाब से श्री विजय जी महाराज। सेंड्रेले रोड स्थित ESI अस्पताल में गुरुवार को 50 अतिरिक्त बेड के लिए अस्पताल भवन के निर्माण कार्य का शिलापट से पर्दा हटाकर व दीप प्रज्वलित कर सांसद बाबू सुप्रियो व केंद्रीय श्रम राज्य मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। रानीगंज स्पोर्ट्स असेंबली में गुरुवार को श्री रानी सती जी सत्संग समिति का 29वां वार्षिकोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। काक्सा थाना क्षेत्र के पानागढ़ बाईपास इलाके में गुरुवार तड़के कैनिंग इलाके से आ रही तीर्थयात्रियों से भरी एक बस को एक ट्रक ने टक्कर मार दी। इस घटना में 16 तीर्थयात्री घायल हो गए, जिसमें से 8 की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। हीरापुर थाना अंतर्गत श्यामबांध स्थित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी लाइब्रेरी में बुधवार की रात तोड़फोड़ कर उसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। इस दौरान तोड़फोड़ करने वालों ने भाजपा के प्रदेश नेता पवन कुमार सिंह व उनके समर्थकों के साथ धक्का मुक्की करते हुए उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी। पूर्व बर्धमान जिले के कालना में पंचायत प्रधान समेत 2 लोगों की हत्या के मामले में पुलिस ने एक जिला परिषद सदस्य को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी का नाम शांति चाल है।